हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश बड़ूजर और आज आप देख रहे हो ई शॉप। ई शॉप क्या होता है? तो ई शॉप ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप रहता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिकली सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा फोड़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वो होती है दंगों के टाइम पे। तो ई शॉप में आप कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, इसको आप अच्छे से लिख सकते हो। तो अभी देखिए, ई शॉप का जो अल्टरनेटिव नेम है उसके आप ई वेब स्टोर, ई शॉप, ई स्टोर या इंटरनेट शॉप, ई वेब शॉप, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। जो आपका मोबाइल कॉमर्स है या फिर मैं क्या करूँ एम कॉमर्स, ये आपको डिस्क्राइब करता है परचेसिंग फ्रॉम एन ऑनलाइन रिटेलर मोबाइल ऑप्टिमाइज ऑनलाइन साइट और ऐप। मतलब ऑनलाइन से आप मतलब अच्छे से देख सकते हो रिटेलर कौन है, कहाँ है, कैसे है। एन ऑनलाइन शॉप इवोक्स द फिजिकली एनालॉग ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट ब्रिक्स एंड मोर्टार रिटेलर्स और शॉपिंग सेंटर। द प्रोसेस इज कॉल्ड बिजनेस टू कस्टमर। मतलब बिजनेस टू कस्टमर क्या, जो अगर एक साइड पे बिजनेस है, एक साइड पे कस्टमर है, तो कस्टमर से मतलब कस्टमर बिजनेस से कुछ ले रहा है तो ये बिजनेस टू कस्टमर होता है। उसके बाद में ये वही है सब कुछ, इतना आप लिख सकते हो ई कॉमर्स में, ई शॉप में। ई शॉप बहुत ही अच्छी रहती है, उसमें हम चाहे जितना ये कुछ भी रख सकते हैं, बहुत अनलिमिटेड स्टोरेज रहता है ई शॉप में। जैसे कि आप एक अगर आपने एक कमरा ले लिया कुछ शॉप के लिए, तो उसमें आप लिमिटेड प्रोडक्ट रख सकते हो, बड़े बड़े प्रोडक्ट नहीं रख सकते। तो ई शॉप में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कुछ भी रख सकते हो। तो उसमें कुछ तो भी फैसिलिटीज रह जाती है जो ई शॉप में बहुत ही अच्छी है, तो वो देखते हैं अभी हम। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग। तो कैटलॉग क्या होता है, जो हमें मतलब अभी आप देख सकते देखते हो ना कि कोई भी वेबसाइट वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पे जाते ही हमें बहुत सारे प्रोडक्ट दिखते हैं, बहुत सारे उनकी इमेजेस दिखती है, और इमेजेस दिखने के बाद उनके मतलब प्राइस आती है, उनका ऑफर रहते हैं, वो बहुत सारे हमें कैटलॉग्स में दिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आप कैटलॉग्स तैयार कर सकते हो, जो कुछ भी आपको बेचना है उसका सिर्फ फोटो निकालो, दो तीन अच्छे से नीचे से ऊपर से आजू से बाजू से सब कुछ फोटो निकालो अच्छे से, और उसको कैटलॉग में डाल दो, तो यूजर उसको अच्छे से देख सकता है इधर उधर से। और उसके बाद में कैटलॉग ब्राउजिंग, अगर बहुत सारे मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि आप मतलब हर एक मोबाइल पे हर एक मोबाइल का फीचर्स अलग अलग रहते हैं, तो बाकी मोबाइल पे वो कैटलॉग दिखते नहीं है, बाकी मोबाइल पे दिखते हैं, या फिर कुछ ब्राउजर पे चलते हैं, कुछ ब्राउजर्स पे नहीं चलते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो भी हमें देखनी होती है, जो यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो भी हमें देखना रहता है। तो उसके बाद में आता है हमारा शॉपिंग कार्ट। तो प्रोडक्ट लेने के बाद हम हमारा प्रोडक्ट जो होता है हम उसको शॉपिंग कार्ट में डालते हैं, जो कि हमारा स्टोर हो जाता है। शॉपिंग कार्ट ये एक डायनामिक स्टोर रहता है, जिसमें हम उस प्रोडक्ट को निकाल भी सकते हैं और उसको डाल भी सकते हैं, तो ये शॉपिंग कार्ट है। उसके बाद में जो चेकआउट रहता है, मतलब जो प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स है, जो कुछ भी ऑफर है या कुछ कुछ कम ज़्यादा करना हो, तो वो आप चेकआउट्स के दौरान कर सकते हो। उसके बाद में आता है पेमेंट। पेमेंट में तो पेमेंट ही रहता है, आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद में आपका जो अकाउंट नंबर रहता है, पासवर्ड रहता है, वो डालने के बाद आप उसका पेमेंट कर सकते हो, आपको वो OTP वगैरह आता है। तो पेमेंट प्रोसेसिंग में भी वही है, जो आपका जो रियल टाइम मतलब जो क्रेडिट कार्ड है वो आप रियल टाइम में चलाते हो, उसका जो आपको OTP आता है, वो OTP डालने के बाद आपको जितना अमाउंट हो उतना मनी वहां से कट हो जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो ई मतलब पेमेंट की प्रोसेसिंग कैसी होती है, तो आपने सबसे पहले वो पे वेब पे आया आपके सामने, आपने उसको उस पे ऊपर अपना नाम डाला, उसके बाद में वो कार्ड की एक्सपायरी डेट डाली, उसके बाद में कार्ड का वो
तीन अंकों का कोड डाला या मतलब जिस कंपनी का कार्ड हो वैसे वो कार्ड रहते हैं, तो ऐसा सब कुछ आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो उसके बाद में आता है रिसिप्ट। तो हमें सब ये सब कुछ करने के बाद में हमें एक रिसिप्ट मिलती है। तो जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया तो उसके बाद में आपको रिसिप्ट मिल जाती है। तो रिसिप्ट में हमारी पूरी डिटेल्स रहती है, वो हमने हमें बताए रखते हैं कि ये है आपके पेमेंट, मतलब आपने ये खरीदा ये इतने में आया, उसका टैक्स वगैरह माइनस प्लस सब कुछ रिसिप्ट में रहता है। उसके बाद में आता है हमारा शिपमेंट प्रोसेसिंग। तो शिपमेंट में क्या आता है, जहाँ वेयर हाउस से निकलने के बाद हमारे तक पहुँचने के दौरान जो कुछ भी है वो सिर्फ शिपिंग प्रोसेस है। तो शिपिंग के लिए बहुत सारे जैसे कि हमारे यहाँ पे ब्लू डॉट चलता है, यूपीएस चलता है, फेडेक्स चलता है, तो ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी शिपिंग प्रोसेस मतलब शिपिंग वाले लोग रहते हैं, कंपनी रहती है, वो हमारी शिपिंग के लिए मदद करते हैं। तो ये था हमारा इतना बड़ा ई शॉप। तो ई शॉप में इतने सारे टर्म्स रहते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल वे रहता है ई शॉप के लिए। तो अगर आप ई शॉपिंग करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।